दोस्तों, चंद्रमा के बारे में आज हम आपको वो जानकारियां बताने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों से छुपाई जाती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। हमारी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक मौजूद पिंड जो हम इंसानों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज से 50 साल पहले ही 1969 में चांद पर इंसानों को भेज दिया था। अंतरिक्ष एजेंसियों को चांद को करीब से जानने और चांद के रहस्यों का पता लगाने की इतनी इच्छा थी कि मात्र 4 सालों के भीतर ही नासा ने 6 बार चांद पर इंसानों को भेज दिया। लेकिन साल 1972 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बीत जाने के बाद भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज तक चांद पर किसी भी इंसान को नहीं भेजा? आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ कि नासा और बाकी के अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर जाने से डरने लगे? क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों का सामना किसी अन्य ग्रह के जीवों से हुआ था? क्या चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को किसी ने वहां कभी दोबारा न आने का आदेश दिया था? क्या चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किसी प्रकार की दर्दनाक घटना हुई थी? या फिर इन सब से अलग कहीं ऐसा तो नहीं नासा या फिर कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद पर आज तक किसी इंसान को भेजा ही नहीं? क्या इंसानों के चांद पर पहुंचने की कहानी ही झूठ थी? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के बारे में बताएंगे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। 21 जुलाई 1969 ये वही दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। जिस चांद को हम सदियों से दूर से देखते आए थे, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उस चांद पर इंसान को भेज दिया था। नासा यही नहीं रुका, मात्र 4 सालों के भीतर 5 और अमरीकी अभियान चांद पर भेजे गए और साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजीन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे, जिसके बाद आज तक चांद पर किसी इंसान ने जाने का कभी नहीं सोचा। आखिर 50 सालों बाद जब हम विज्ञान की दुनिया में और आगे बढ़ चुके हैं तो हम चांद से पीछे क्यों भागने लगे? क्या चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों का सामना किसी अन्य ग्रह के लोगों से हुआ? ऐसा कहा जाता है जब नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब उन लोगों को वहाँ कुछ रहस्यमय चीजें दिखाई दी जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चांद पर अनेक ऊंचे ऊंचे टावर मौजूद थे जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा थी। ये सभी टावर बिल्कुल वीरान पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने ही चांद पर इन टावर्स को बनाया होगा ताकि वे पृथ्वी पर अपनी नजर रखें। लेकिन आखिरी बार जब इंसानों को चांद पर भेजा गया तब अंतरिक्ष यात्रियों का सामना कुछ ऐसे जीवों से हुआ जो नहीं चाहते थे कि इंसान चांद पर पहुंचे। खुद नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा किसी बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले UFO के द्वारा किया गया था, जिसे हम उड़न तश्तरी भी कहते हैं। चांद पर अजीबोगरीब रहस्यमय आवाजें भी कई चंद्र यात्रियों ने सुनी। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन चांद पर गए कई यात्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें चांद पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी हैं। ऐसी आवाजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी, जो बिल्कुल रहस्यमय आवाजें थी जो शायद एलियंस के जहाजों की हो सकती है। क्या चांद पर एलियंस रहते हैं? एलियंस की थ्योरी पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक छोटे अंतरिक्ष यान को चांद पर उतारा था तो उस यान के टकराव से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और चांद की धरती करीब 1 घंटे तक किसी घंटे की तरह कंपन और आवाज करती रही। ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद खोखला हो। इतना ही नहीं, चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए गए। ये बिल्कुल वही एलिमेंट्स हैं जिनका प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सहन कर पाए। तो क्या चांद एलियंस का एक स्पेसशिप है जो लगातार पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है, जैसे मानो सदियों से उस स्पेसशिप का मकसद सिर्फ पृथ्वी पर नजर रखना हो? खैर, जो भी हो, लेकिन चांद पर वापस जाने में कोई न कोई समस्या जरूर है क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर कदम रखने में सफल हो चुके थे तो अब तो हम विज्ञान की दुनिया में और आगे जा चुके हैं। अब तो वैज्ञानिकों को चांद पर पूरा मोहल्ला बजा लेना चाहिए। पौराणिक तथ्य,
पौराणिक कहानियों में चंद्रमा के बारे में एक चौंकाने वाली चीज जानने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक दिन चंद्रमा अचानक से गायब हो गया और कई महीनों तक लगातार गायब ही रहा। उस जमाने में जब लोग विज्ञान की दौड़ में इतनी आगे नहीं थे, तो उन लोगों ने किसी अनहोनी की बात सोचकर चंद्रमा की पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। और ये वजह है कि चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें चांद का एक बेहद खास स्थान है। लेकिन अब चांद के इस तरह से गायब होने की बात पर शोध किया गया और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 11वीं सदी में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे निकली भयंकर राख हमारे वायुमंडल में चारों तरफ फैल गई और यही वजह है कि चंद्रमा कुछ महीनों के लिए दिखना बंद हो गया। लेकिन अगर वास्तव में हमारे वायुमंडल में ज्वालामुखी से निकली राख फैली थी, तो सिर्फ चांद ही क्यों गायब हुआ? इस वजह से तो सूर्य का भी दिखना बंद हो जाना चाहिए था। कहीं सच में चांद किसी एलियंस का अंतरिक्ष यान ही तो नहीं, जो किसी तकनीकी खामी से कुछ समय के लिए गायब हुआ हो और ठीक होने के बाद फिर अपनी जगह पर वापस आ गया हो? क्या इंसानों के चांद पर पहुंचने की कहानी ही झूठी है? चांद पर जब नासा ने पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था, तो उसका प्रसारण टीवी पर लाखों लोगों ने देखा था। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिकों और लोगों का मानना है कि ये महज एक झूठी कहानी थी। अमेरिका सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और विज्ञान की दुनिया में अपने आप को सबसे आगे दिखाने के लिए ये झूठी कहानी रच रहा था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा की सतह पर अमेरिका का झंडा फहराया, तो चांद पर बिना किसी वायुमंडल के वो झंडा इतना लहराता हुआ कैसे दिख रहा है? आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा ऐसे लहरा रहा है जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो, लेकिन चांद पर तो वायुमंडल ही नहीं है। फिर ऐसा कैसे संभव हुआ? कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि लैंडिंग के वक्त ली गई तस्वीर में चांद की सतह से दिख रहे आसमान में एक भी तारा क्यों नहीं दिख रहा? अब चांद पर इन पैरों के निशान को देखिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर नमी है ही नहीं और पैरों से इस तरह का निशान बिना नमी के संभव ही नहीं है। इन सभी तर्कों को देखकर वो चांद पर इंसानों के पहुंचने की कहानी को झूठा बताने की कोशिश करते हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई है जब पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा कि इंसानों को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा और शायद हम 2028 तक चांद पर फिर से पहुंच जाएंगे। उनका ये बयान सवाल खड़े करता है। जब हम आधी सदी पहले ही कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं, तो अब हमें तैयारी के लिए इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए? विज्ञान की दुनिया में हम आगे बढ़े हैं या फिर हम विज्ञान की दुनिया में पीछे जा चुके हैं? कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुँचने के लिए निकले थे, वो सब कभी वापस ही नहीं आए। और अमेरिका ने लगातार अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगाई ताकि वो खुद को अंतरिक्ष विज्ञान की दौड़ में सबसे आगे रखें। क्या अधिक खर्च की वजह से कोई चांद पर नहीं गया? दरअसल चांद पर किसी इंसान को भेजना एक बहुत ही अधिक महंगा सौदा है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि चांद पर इंसानों को भेजने में बहुत ही अधिक खर्चा लगता है और इतनी अधिक खर्च होने के बावजूद इंसानों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर इंसानों को भेजने में पीछे हटने लगे। साल 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश ने फिर से चांद पर इंसानों को भेजने की बात की थी और इसमें 104,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित खर्चा बताया गया था। जाहिर सी बात है, इतनी अधिक खर्च करने से पहले कोई जरूर सोचेगा। खैर जो भी हो, 1969 में उस दौर में जब हम इंसानों के पास ना तो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास ऐसे सुपर कंप्यूटर्स थे और ना ही हमारे पास इतना बजट होता था, लेकिन फिर भी उस दौर में 4 साल के भीतर नासा ने 6 बार लगातार चांद पर इंसानों को भेज दिया। अब तो हम विज्ञान की दुनिया में कई गुना अधिक आगे निकल चुके हैं। अब हम चांद से भी दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। अब तो चांद पर पहुंचना हमारे लिए आसान होना चाहिए। तो फिर भी नासा या फिर अन्य किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पिछले 50 सालों में चांद पर दोबारा जाने की कोशिश क्यों नहीं की? और इतने अधिक बार चांद पर पहुंचने के बाद भी नासा को फिर से चांद पर जाने के लिए इतने अधिक समय क्यों चाहिए? ये सभी वो सवाल हैं जिनका जवाब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कभी खुलकर नहीं देता। जैसे वो बदनामी के डर से दुनिया के अन्य देशों से इन सभी बातों को छुपा कर रखना चाहता हो। दोस्तों, आखिर क्या वजह हो सकती है? चांद पर जाने में भारी भरकम खर्च, किसी दूसरे ग्रह के जीवों का सामना, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कोई दर्दनाक हादसा, या फिर चांद पर इंसानों का कदम रखना महज एक झूठी कहानी? आप चंद्रमा पर इंसानी मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।